हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संगीता। आई एम नॉट संगीता बिजलानी, आई एम ओनली संगीता रोशन। आज मैं आपको अपने चैनल पर आलू की भुजिया बनाना सिखा रही हूँ। और सबसे पहले हम 7 से 8 आलू लेंगे और इसके बाद हम आलूओं को पतला पतला भुजिया के तरह काट लेंगे उसके बाद हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, फिर हम उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। और अब ये थोड़ा जीरा गरम हो रहा है तो इसके बाद हम थोड़ा सा राई लेकर के और वो हम कढ़ाई में डालेंगे। इसके बाद हम और एक चुटकी हम उसमें कलौंजी डालेंगे, कई लोग इसको मंगरेल भी कहते हैं। उसके बाद अब इसे थोड़ा सा गरम होने देंगे, इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे। और प्याज डालने के बाद इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे पतले पतले स्लाइसेस में काट के। और अब ये हमने डाली इसमें हरी मिर्च। इसके बाद हम इनको अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद अब हम इसमें आलू जो हमने काट कर धोकर रखे थे पतले पतले स्लाइसेस में, अब हम वो आलू इसमें डालने वाले हैं। ये थोड़े से ब्राउन हो जाएं उसके बाद, तो ये अब थोड़ा सा गर्म हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इसमें आलू के स्लाइस डाल देंगे। और ये हमने इसमें आलू के स्लाइसेस डाल दिए हैं। प्लीज़ आप नीचे फर्श पे ना देखें क्योंकि उस पर एक मिर्ची का टुकड़ा गिरा हुआ है जिस पर शायद आपका ध्यान जा रहा होगा। अब इसको हम आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे इसे और 4 से 5 मिनट हम इसको तेज़ आंच पे भुनेंगे। और ये अब आलू भुन रहे हैं और थोड़ा सा अच्छे से भुन रहे हैं, अब ब्राउन हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे। वैसे लोग नॉर्मल नमक भी यूज़ करते हैं बट मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है। और अब इसमें हमने डाल दिया गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और अब हम इसमें देगी मिर्च डालेंगे, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनो डालेंगे क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो थोड़ा सा हम इस पर स्प्रिंकल कर लेंगे अच्छे से, इससे आलू भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं, आलू की जो भुजिया होगी। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से आलू में मसाला हम मिक्स कर लेंगे। और ये अब आलू में मसाला अच्छे से मिक्स हो रहा है, अच्छे से कढ़ाई को पकड़ के चलाएंगे ताकि कढ़ाई गिरे ना गैस पे से। तो अब हम इसमें अच्छे से मिक्स करके इसे ढक के 5 से 10 मिनट सिम पे करके रख देंगे। अब इसमें 10 मिनट बाद फिर हम इसका बर्तन का ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे, आलू को थोड़ा काट के देखेंगे तो ये आलू हमारे पक चुके हैं क्योंकि हमने बहुत पतले पतले स्लाइसेस डाले थे। तो काट के देखने के बाद अब देखिए ये कट चुके हैं अच्छे से, तो इट मींस कि ये पक चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया लेंगे, फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, और अब हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे उनको अच्छे से। और स्प्रिंकल करने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। दोस्तों मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है अब ये देख के, बहुत यम्मी सब्जी बनी है ये भुजिया आलू की। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया हुआ है। अब आप चाहें तो इसको आप बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं पराठों के साथ लंच के लिए स्कूल के लिए, या फिर आप गरम गरम पराठों के साथ या पूड़ियों के साथ इसको गरम गरम अदरक वाली चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं, इसका मज़ा ले सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। और अब ये हमारी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। धन्यवाद।